Assalamualaikum students, welcome to the lecture number 20 for the course of entrepreneurship. Let's get started by figuring out कि हम लोगों ने पिछले lecture के अंदर क्या cover किया था. कुछ bits हमारी franchising से रह गई थी. We started with myths and tips about franchising, जिसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करवाता चलूँ, मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने discuss किया था कि जो लोगों के misconceptions हैं कि अगर मैं फ्रेंचाइज के लिए सब्सक्राइब कर लूँगा तो फॉर एग्जांपल मुझे मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डे टू डे मैनेजमेंट वो फ्रेंचाइज़र की ज़िम्मेदारी है, ना कि फ्रेंचाइजी की. तो ऐसा नहीं होता. इस तरह हम लोगों ने और कई एस्पेक्ट्स देखे थे कि कई लोग सोचते हैं कि जी कि अगर वो फ्रेंचाइज लेते हैं तो शायद उनको कम कीमत अदा करनी पड़े, या जो कोई और बिज़नेस की बजाय अगर वो अपने तौर पर वही बिज़नेस स्टार्ट करें तो शायद उनको कम पैसों के अंदर वो बिज़नेस पड़े. और इस तरह के और मुख्तलिफ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था मैथ्स के अंदर. और टिप्स की भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी जो है माय मेंटल माइंडसेट, उसको भी हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत है अपंग अदर फैक्टर्स के अगर हम लोग फ्रेंचाइज के लिए ऑप्ट इन कर रहे हैं. उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की थी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल प्लान. उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान इज प्रोबेबली द वीकेस्ट अमंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान जिसके ऊपर एंटरप्रेन्योर मेहनत करते हैं. यूजली उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि नॉट एवरीबडी इज स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड और एजुकेटेड इन accounts and finance. Most of the people even don't know what balance sheet or profit and loss statement is, unless someone has taken commerce or management sciences courses. Or usme hum logo ne ek cheez ye bhi dekhi thi ki ye jo financial plan ka part hota hai wo intihai important hai, kyunki jitna bhi hamare investor hain, jitne bhi hamare lender hain, business concept अपनी जगह पे अच्छा होना या ना अच्छा होना वो एक अलग मामला है. लेकिन व्हाट अ लेंडर इज इंटरेस्टेड इन सीइंग और व्हाट एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन सीइंग इज कि वो जो पैसे एक बिजनेसमैन को लेंड कर रहा है, वो जो पैसे एक बिजनेसमैन को के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, उसका रिटर्न किस सूरत में आएगा, कब तक आएगा और कितना आएगा. तो ये एक जो फाइनेंशियल प्लान है वो बेसिकली कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसके लिए जब आप उसको उसकी एक्टिविटीज को ट्रांसलेट करते हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी और लेंडर्स के लिए भी उसको एवेल्युएट करना आसान हो जाता है. उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है तो उसकी बुनियाद पर आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है. अगर if some entrepreneur is anticipating कि उसकी इतनी सेल्स होंगी और उससे वो इतना प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो हो सकता है अगर वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो कि शायद उसको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े एक्सपेंशन के लिए. तो ये अगर उसने इफ़ कैलकुलेशंस नहीं की हुई, अगर वो फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाता, अगर वो ये फिगर आउट नहीं करता कि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या नोयत होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह का होगा, उसका जो कैश फ्लो है वो किस नेचर का होगा, तो उसके लिए फिर ये एंटिसिपेट करना कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से चाहिए होगी, कितनी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, या मैं अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा. तो ये जब आपके पास फाइनेंशियल प्लान्स बने हुए होते हैं तो आप एक बेहतर पोजिशन में होते हैं इस तरह के डिसीजन करने के लिए. उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ ये भी डिस्कस की थी कि नॉर्मली ये होता है कि what we are taught in the business schools or the commerce schools is के double entry system. तो जो small and medium enterprises हैं, जो कि बहुत अगर बड़े नहीं हैं या उनका भी scope इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अलग से accounts department बनाए, तो उनके लिए double entry system जो है उसको maintain करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए एक alternate accounting systems भी available हैं, though they are primitive in nature. लेकिन उसमें ये है कि विद रिगार्ड्स टू द स्कोप दे डू सर्व द पर्पस. उसमें मैंने आपको मिसाल दी थी राइस मिल्स के एक ओनर हैं, उन्होंने पूरे का पूरा जो मिल्स का हिसाब है जिसके अंदर आपकी लाइबिलिटीज भी हैं और आपके रिसीवेबल्स भी हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उनकी दो बुक्स से आपको मिल जाती थी. अब उसके अंदर हर ट्रांजेक्शन की उस तरह की डिटेल्स नहीं है,
लेकिन फॉर हिम अगर आप उनसे पूछेंगे तो ही कैन एक्सट्रैक्ट आउट द इन्फॉर्मेशन. तो सिंगल एंट्री सिस्टम का जो सबसे बुनियादी फ्लॉ आपको मिलेगा वो ये है कि इट्स नॉट रीडेबल, और उससे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज नॉट एक्सट्रैक्टेबल बाय एवरीबडी. उसके अलावा हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिव्यू करा था कि होती किस नेचर की है. अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ, वी टॉक्ड अबाउट बैलेंस शीट, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो उसके अंदर जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी को ही ट्रांसलेट करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में. एंड वी सेड एंड वी सॉ कि जो बैलेंस शीट है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है. इट्स मेंशन कि जी इट इज मेड एज ऑन दिस डेट ऑफ दिस मंथ एंड दिस ईयर, और वो उसके अंदर आपको बुनियादी तौर पे दो सेक्शन नजर आएंगे. एक तरफ हमारे एसेट्स आएंगे और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल होगा. एसेट्स की फिर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं. वी टॉक अबाउट करंट एसेट्स, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि जी ये विद इन ईयर कंज्यूम हो जाएंगे. और फिर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की, जो कि हम लोग समझते हैं कि दे वुड और दोज एसेट्स दैट वुड बी कंज्यूम्ड बियॉन्ड वन ईयर स्कोप आर डीम्ड एज और लॉन्ग टर्म एसेट्स. इसी तरह जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो लाइबिलिटीज की भी हम लोग इसी तरह क्लासिफिकेशन करते हैं. वी सी कि देर आर लाइबिलिटीज जो कि हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो दोज आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. और उसके साथ साथ कुछ आपकी लाइबिलिटीज हैं जो कि अपने ओवर अ लॉन्गर स्पेन ऑफ टाइम आपने कवर करनी है, और उनको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं, जिसके अंदर डेट हो सकता है मिसाल के तौर पे. उसके साथ फिर आपका कैपिटल का सेक्शन है कि जो इन्वेस्टर है, जो एंटरप्रेन्योर उसने क्या उसके अंदर इन्वेस्ट किया हो. फिर हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे नज़र दौड़ाई. उस पर हम लोगों ने देखा कि बेसिकली आप सेल्स के रेवेन्यूज को देखते हैं कि सेल्स कितनी जनरेट हो रही हैं. उसमें फिर हम लोग जितनी सेल्स जनरेट हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है उसमें से डिडक्ट करते हैं. फिर हम लोग उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं और आपके कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको माइनस करके हम लोगों को मिलती है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन. फिर उसमें से अगर हम लोगों ने कोई लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो वी डिडक्ट दैट, और हमारे पास ईबीटी बच जाती है, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेशन. और जब उसमें से हम लोग टैक्सेशन डिडक्ट कर लेते हैं वी गेट आवर नेट प्रॉफिट. और उसके भी हम लोग फर्दर दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं. उसमें से कुछ प्रॉफिट वो है जो कि कंज्यूम हो जाएगा बिजनेस के अंदर, या वो विड्रॉ हो जाएगा, या उसमें से जो दूसरा कंपोनेंट होगा आपके प्रॉफिट का वो पॉसिबिलिटी है कि वो जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको वो सेव कर ले फॉर रेनी डेज, और दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. और ये रिटेन्ड अर्निंग्स आपको रिफ्लेक्ट करवानी होती है अल्टीमेटली आपके बैलेंस शीट के अंदर और कैपिटल के अंदर आती. फिर हम लोगों ने बात की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और उसमें वी सॉ कि दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, सिंस जितने भी लेंडर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ये होता है कि जी एक्चुअली कैश कैपेसिटी क्या है, क्या हम लोग जो इन्वेस्ट करेंगे या जो हम लोग लेंडिंग करेंगे उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें हमें वापस मिलेंगी और किस पैटर्न से मिलेंगी. तो उसके लिए वी सॉ के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, और उसकी तीन बुनियादी एक्टिविटीज थी. अब हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज थी जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि जी जो ऑपरेशंस रिलेटेड कितने हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आ रहे हैं. देन देयर वर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. उसके बाद हम लोगों ने जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी कि जब आप अपने इन्वेस्टर्स को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप अपने लेंडर्स को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि जी पहले साल हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, इतनी सेल्स होंगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, ये प्रॉफिट होगा, ये नेचर ऑफ एसेट्स होगी, ये उनकी वैल्यू होगी, और ये लाइबिलिटीज और कैपिटल होंगे. इसी तरह आप प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाते हैं, और उसको विद सर्टेन अजम्पशंस आप उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी दूसरे साल में हमारी सेल्स ये होंगी, ये प्रॉफिट है, कम है, ज़्यादा है, और तीसरे साल में अकॉर्डिंगली आप उसको
दोबारा फर्दर प्रोजेक्ट करके इन्वेस्टर और लेंडर को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोटेंशियल क्या है। तो जो जो जब प्रोजेक्शन की जाती है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कई मिस्टेक्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं। उसके अंदर वी सॉ के जो बुनियादी मिस्टेक अमूमन करते हैं कि वो लिख देते हैं कि जी जो हम लोगों ने एस्टिमेट्स किए हैं बड़े कंजर्वेटिव हैं। एंड वी सॉ के अगर कंजर्वेटिव हों हर बंदे के एस्टिमेट्स तो फिर बिजनेस फेलियर का रेट शायद इतना ज़्यादा ना हो। होता अमूमन ये है कि या तो अमूमन जेनरस एक जो प्रोजेक्शंस करके उनको एंटरप्रेन्योर्स कंजर्वेटिव कंसिडर कर रहे होते हैं, या ये पॉसिबिलिटी भी कई दफ़ा होती है कि कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पहले एंटिसिपेट ही नहीं हुए होते, और जब वो एंटिसिपेट नहीं होते और एक्चुअलिटी के अंदर होते हैं तो फिर जो नेट प्रॉफिट है वो बिजनेस का कम हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट कर दें कि जी इस साल हमारी 10 लाख की सेल है, अगले साल जो सी ना वो 15 लाख की सेल है, और लेकिन उसके साथ एजम्पशन ही ना कोई लिस्ट हो कि किस बुनियाद के ऊपर हम लोग इन्फ्लेशन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस फाउंडेशन के ऊपर, किस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हम लोग अपनी जो प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, और अगर आप एजम्पशंस नहीं लिखेंगे तो दैट वुड somehow not be considered very seriously, क्योंकि जो lenders और जो हमारे investors हैं they would see it as a sign कि you do not have good understanding of the dynamics of finances. तो it's very important, हम लोगों ने देखा था कि जो assumptions है वो हमें list करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अमूमन टॉप डाउन scenario के अंदर लोग अपनी financial projections बनाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। we saw के अगर कॉफ़ी शॉप है तो आप एक अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी शॉप को बेंचमार्क बना लें कि जी वो अगर 15 लाख रुपया महीने का कमा रहा है तो मैं भी अगर कॉफ़ी शॉप खोलता हूँ तो 7.5 लाख तो मैं भी बना लूँगा, लेकिन उसका जो मॉडल है, उसकी जो सप्लाई चेन है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके जो सिस्टम्स हैं, अगर वो मैं ठीक तरह से रिप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, और नॉट टू फॉरगेट कि जो उसकी ब्रांड इक्विटी बड़े बिजनेसेस इन्जॉय करते हैं तो उनका बिजनेस मॉडल शायद डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू समबडी जो कि एक नया उसी बिजनेस के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि टॉप डाउन एजम्पशंस की बजाय बॉटम अप एजम्पशंस जो थी ना, पहले अपने ग्राउंड जो हमारी सिनेरियो है उसको फाउंडेशन बनाते हुए चीज़ों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी की जो है प्रोजेक्शन या जो भी सेल्स वगैरह हो रही हैं उनको स्टैंडर्ड बना के अपनी ही रेप्लिकेशन उसके साथ कर दी जाए, क्योंकि हर बंदे के अपने, हर एंटरप्रेन्योर के, हर बिजनेस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो सिनारियोज हैं वो भी कई दफ़ा लोग जो हैं वो प्रेजेंट नहीं करते कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो कहे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो इकोनॉमी है वो 10% से ग्रो करती है या 8% से ग्रो करती है तो उस सूरत में हमारे बिजनेस के आउटकम हम क्या एक्सपेक्ट करें। अगर हमारी इकोनॉमी बैन बैन चलती है, मीडियोकर सी ही जो सी नॉर्मल सी जो ग्रोथ है उस पर ही चल रही है, देन हाउ डू वी एंटिसिपेट द चेंजेस इन द बिजनेस। और अगर इकोनॉमी बैठती है, अगर इकोनॉमी रिसेशन का शिकार होती है, अगर इकोनॉमी स्लो ग्रोथ का शिकार होती है तो उस सूरत के अंदर हमारा बिजनेस किस तरह इफेक्ट होगा। उसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा था कि अमूमन जब प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं तो जो अपनी assumptions हैं वो data की बुनियाद के ऊपर नहीं करते, जिस data को भी हमने foundation बनाना that should be authentic data. We cannot make a friend's comment an assumption or foundation of assumption. अपनी assumptions की basis हम किसी के comment को या किसी unpublished information को नहीं बना सकते जो कि हर बंदा जिसके ऊपर trust करने के लिए तैयार ना हो। उसमें एक और इशू जो हम लोगों ने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा था कि कई दफ़ा प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होती हैं, एंटरप्रेन्योर ने मेहनत भी की होती है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन वो साथ में अटैच नहीं करते कि ये अगर फिगर इस नेचर की है तो व्हाई इज इट सो। एजम्पशंस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उनको ठीक तरह से आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, इंटीग्रेट ही नहीं किया विद इंफॉर्मेशन, तो रीडर, और ये अज्यूम कर लिए कि रीडर देख के खुद ही समझ जाएगा, दैट इज अगेन नॉट अ वेरी वाइज अप्रोच। उसके अलावा सम पीपल टेंड टू इग्नोर द बैड डेट एक्सपेंस, वो ये अज्यूम करते हैं कि जी बिजनेस के अंदर कोई बैड डेट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, देर आर ऑलवेज बैड डेट्स इन द बिजनेस।
सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फाइनर डिटेल्स, जब आप उनको इंटीग्रेट करते हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन को बेहतर तौर पे रिफ्लेक्ट करती है. सो वन नीड्स टू टेकल एंड इंटीग्रेट सच सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनटू हिज प्रोजेक्शंस. या एक और जो बुनियादी मसला आ जाता है वो ये होता है कि जी लोन की जो पेमेंट्स हैं वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर इग्नोर हुई हुई होती है. तो अगर आप लोन की पेमेंट को इग्नोर कर देंगे तो आपकी तो जो प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल वो तो काफ़ी इन्फ्लेटेड नजर आएंगी और जो कि ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है. सो वन नीड्स टू केटर दीज काइंड ऑफ निटिग्रिटीज. उसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि जो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम टैक्सेस को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर देते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं बनाते. अमूमन इन्वेस्टर्स ये देखने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें वापस कब मिलेगा, पे बैक पीरियड क्या है हमारा. जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव करेगा. और भी कई मसले होते हैं प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स के साथ. एक और मसला जो अमूमन एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि जी मैं सैलरी नहीं लूंगा, और उनकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो इग्नोर हुआ होता है, फाउंडर सैलरी इंटीग्रेटेड नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके फाइनेंशियल प्लान को फ्लॉड बना देती हैं और उसको कमजोर दिखाती हैं. इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था रेशियो एनालिसिस को टच करने की कोशिश की थी, एंड वी फिगर्ड आउट कि इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है रेशियो एनालिसिस, क्योंकि आपको जो मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड के बिजनेसेस होते हैं उनको एट वन स्टैंडर्ड जो है वो उसको मैच करने की, कंपेयर करने की कैपेसिटी देता है. और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी हमारी देखते हैं हम लोग के करंट रेशियो क्या है, एसेट टेस्ट रेशियो क्या है, फिर हम लोग लिवरेज की बात करते हैं कि जी हम लोगों ने डेट वगैरह कितना लिया है, उसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को भी टच करने की कोशिश की थी. आज के लेक्चर में हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट वुड बी फिक्स्ड वर्किंग एंड ग्रोथ. हम लोग इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल के अंदर भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज ऑफ इक्विटी कैपिटल अवेलेबल टू द एंटरप्रेन्योर्स, और उसके साथ साथ फिर हम लोग वेरियस सोर्सेज ऑफ डेट को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, एजिमुलेट करने की कोशिश करेंगे. रेजिंग कैपिटल टू लॉन्च और एक्सपैंड बिजनेस इज अ चैलेंज. कई एंटरप्रेन्योर्स बड़ी ब्रिलियंट आइडिया होगा उनके पास, बड़ी ब्रिलियंट प्रोडक्ट होगी, लेकिन उनकी टेक्निकल साइड तो बड़ी स्ट्रांग होती है, बट व्हेन इट कम्स टू द मनी रिक्वायर्ड, व्हेन इट कम्स टू द फंडिंग रिक्वायर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट वेंचर, दैट इज रिक्वायर्ड टू रोल आउट दैट प्रोडक्ट एंड मेक इट अवेलेबल टू द मार्केट, उसमें कई लोग डिफिशियंट होते हैं. और जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो भी कई दफ़ा श्रिंक कर रही होती है, कई दफ़ा एक्सपेंड कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और उसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक इंटेग्रल पार्ट जो है वो प्ले करती है. उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो 90s के एंड के अंदर आपका .com बूम आया हुआ था, जिसके अंदर गूगल और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह जब ये इमर्ज आउट हो रही थी, तो इनके अलावा और भी देर वर हंड्रेड्स ऑफ अदर .com कंपनीज जो कि ये एंटिसिपेट कर रही थी कि वो अगर अभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वेब बेस्ड तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे. और उन दिनों में ये हालात थे कि हर बंदा वेबसाइट बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, उनको पैसे देने के लिए तैयार था, लेंड करने के लिए तैयार था, पार्टनर बनने के लिए तैयार था, उनको एज अ कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट लोग उनको पैसा देने के लिए तैयार थे. और इस तरह के भी वाकयात हुए हैं कि कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया, कोई फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं किया, और एक पेपर के ऊपर 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिखे हुए इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन किए एंड दे हैव रोल्ड आउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जी आप ये बिजनेस स्टार्ट करें एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट.
तो एक तरफ कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए एक सर्टेन टाइम के अंदर इतना ज़्यादा कैपिटल जो था वो अवेलेबल था. अब ये वो दिन थे जबकि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की तो मौजें लगी हुई थी, बट ऑन द अदर हैंड जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर इनोवेशन कर रहे थे तो उनके लिए उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था. एंड दिस सिचुएशन सम हाउ चेंज इन 2000 जबकि जिसको हम कहते हैं कि .com बस्ट हुआ और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस थे वो डिफॉल्ट हो गए. उन्होंने नुकसान जो उनसे ना वो डिक्लेयर करके अपने आप को बंद करवा लिया या अपना बिजनेस क्लोज करवा लिया. जब ये बस्ट हुआ उसके बाद इन्वेस्टर ने रियलाइज किया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे जो मर्जी बिजनेस हो, इंडस्ट्री जितनी मर्जी चैलेंजिंग क्यों ना हो, इंडस्ट्री जितनी मर्जी वेलकमिंग क्यों ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाए, उसका प्रॉपरली बिजनेस प्लान्स वगैरह बनवाए जाएं. एंड इट वाज आफ्टर 2000 कि सिचुएशन ऑलमोस्ट रिवर्स हो गई. नाउ द इन्वेस्टर्स वर मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट इन द वेंचर्स जो कि बहुत हाई टेक नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं थे. और अब जो .com बिजनेसेस के अंदर लोग आना चाह रहे थे उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स को गैदर करना उतना ही मुश्किल हो गया. और मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर यूजली कॉट इन क्रेडिट क्रंच व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग बिजनेस. देर आर सर्टेन सीक्रेट्स टू सक्सेसफुल फाइनेंसिंग. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ सीक्रेट्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, चूजिंग द राइट सोर्स ऑफ कैपिटल इज अ डिसीजन दैट विल इन्फ्लुएंस अ कंपनी फॉर अ लाइफ टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये सोचें समझें कि हमें किस तरह की फाइनेंसिंग चाहिए. अगर आप पहले दिन ही किसी दोस्त को 50% का पार्टनर बना लेते हैं, जब आप बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, मेहनत आप करें, लेट से एंड इफ यू स्लीपिंग पार्टनर और वो उस तरह की एफर्ट्स नहीं दे रहा लेकिन बाद में बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो देन यू मे रियलाइज आफ्टर 5 ईयर्स के परहैप्स मैंने उस बंदे को जरूरत से ज्यादा परसेंटेज दे दी थी. या आप ऑल टुगेदर अगर अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं तो आप शायद किसी की इन्वेस्टमेंट के बजाय आपकी प्रायोरिटी ये हो कि यार मैं लेंडिंग करवा लेता हूँ, मैं बोरोइंग कर लेता हूँ किसी से, मैं कर्जा ले लेता हूँ, मैं आई कैन पे इंटरेस्ट और अल्टीमेटली हो मुझे थोड़ा तकलीफ तो काटनी पड़ेगी लेकिन उससे एज सुन एज माई बिजनेस ग्रोज आउट तो मैं वो जो कर्जा है वो वापस करके अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने पास रख सकता हूँ. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये वो डिसीजन है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग आपके बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकता है. उसके अलावा दूसरा सीक्रेट, द मनी इज आउट देयर, द की इज इन नोइंग वे टू लुक. एक तरफ जहां पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कैश डेफिशिएंट हैं, दूसरे एंड के ऊपर वो एंटिटीज भी हैं जो कि कैश सरप्लस हैं एंड दे डू नॉट रियली नो वे टू स्पेंड इट. तो उनकी भी डिजायर होती है कि उनको रीजनेबल इनोवेटिव एंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स मिले जिनके प्रॉमिसिंग आइडियाज हों, जिनका मार्केट के अंदर पोटेंशियल हो और वो उनके साथ मिलके काम कर सकें. इसी तरह आपके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जो कि जिनको ये जिनके मैनेजर्स को ये टास्क मिलता है कि वो लेंडिंग करें जो कि अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट जब हम लोग देते हैं वो बैंक के प्रॉफिट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है. तो द मनी इज आउट देयर. इंटरेस्टिंग चीज इज द थिंग इज अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको किस तरह ढूंढता है. रेजिंग मनी टेक्स टाइम एंड एफर्ट, इट्स नॉट ईजी टू गेट फाइनेंसिंग. कुछ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे इन द इनिशियल स्टेज दे हैव टू ऑलमोस्ट स्पेंड हाफ ऑफ देयर टाइम इन ऑर्डर टू फिगर आउट वे टू गेट मनी फ्रॉम प्रेजेंटेशंस दे के लोगों को रिपोर्ट्स फाइनेंशियल जमा करवा के अपनी उनको इस चीज़ के ऊपर राजी करने के लिए कि उनको वो लेंड करें, उनको उनके साथ वो इन्वेस्ट करें. दिस एक्टिविटी ऑफ रेजिंग फंड इज अ रियल चैलेंज. फोर्थ सीक्रेट जी, क्रिएटिविटी काउंट्स. एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी एज क्रिएटिव इन देयर सर्चेस फॉर कैपिटल एज दे आर इन डेवलपिंग देयर बिजनेस आइडियाज. कई दफा एंटरप्रेन्योर्स
जिस तरह अपने आइडियाज के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम पैराडाइम देखें फाइनेंसिंग का, तो जेन में ही आता है कि या कोई बंदा हमारे साथ दोस्त इन्वेस्ट कर ले, फैमिली इन्वेस्ट कर ले, या हम बैंक से बोरिंग करें। कई दफ़ा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बड़े क्रिएटिव वे से फाइनेंसिंग करते हैं। एक एनजीओ थी जो कि फोकस करती थी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुख्तलिफ फंडिंग्स पहले से ली हुई थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, डेट्स भी लिए हुए थे, उसको फर्दर पैसे नहीं मिल रहे थे। सो व्हाट दे डेड वाज कि उन्होंने उस एनजीओ को कॉन्टेक्ट किया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही थी, कि जी हमारा काम भी रिन्यूएबल एनर्जी का है एंड वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, आपका भी ऑब्जेक्टिव यही है, तो आप हमारे साथ मिलें, आप हमें पैसे दें, हम आपके लिए फंड्स जो हैं ना आपके जो यूटिलाइज करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनको आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स जहाँ पे आइडिया जनरेट करते हैं इन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसी तरह दे नीड टू एक्ट वेरी स्मार्टली व्हेन इट कम्स टू रेजिंग फाइनेंस। द वर्ल्ड वाइड वेब पुट्स एट एंटरप्रेन्योर्स फिंगर टिप्स वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन लीड टू फाइनेंसिंग। देर आर सो मैनी वेबसाइट्स नाउ जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ लेंडर्स हैं या मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर ऑन इंटरेस्ट फिगर आउट करते हैं कि उनको कौन सा बंदा या कौन सा आइडिया सूट कर रहा है, और वो उसके साथ काम करने के लिए फिर निगोशिएट करते हैं। तो इंटरनेट की बुनियाद के ऊपर नाउ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वे टू गेट मनी इज मच मच ईजियर, रादर देन कि एक बंदा अपने घर में, एक गांव में, एक शहर के अंदर बैठा हुआ लिमिटेड एक दो तीन चार रिसोर्स पर्सन से कांटेक्ट करे और उनसे इंफॉर्मेशन ले। उसके इंस्टेड नाउ कैन सिट बैक इन हिज ऑफिस एट हिज होम एंड यूजिंग हिज लैपटॉप और इंटरनेट वो तमाम के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑफरिंग को एट डेस्कटॉप, ये तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं उनकी क्या नेचर ऑफ फाइनेंसिंग है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इस वो उनकी प्रोफाइल्स को मैच कर सकता है विद हिज ओन बिजनेस और प्रोडक्ट प्रोफाइल, और उसके बाद इंतहाई पिन पॉइंटेड टारगेटिंग कर सकता है विद रिगार्ड्स टू रेजिंग फाइनेंस। एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द केमिस्ट्री अमंग देमसेल्व्स, देयर कंपनीज एंड देयर फंडिंग सोर्सेज इज अ गुड वन। पैसे की जरूरत एक एलिमेंट है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस कि यू डील विद दोज पर्सन्स हु यू आर कंफर्टेबल विद। अब एक बंदा, एक इन्वेस्टर जिसका अपना इंटरेस्ट ग्रीनरी के अंदर है, रिन्यूएबल इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल एनर्जी के अंदर है, तो एक एंटरप्रेन्योर जिसकी प्रोडक्ट्स ग्रीन एनवायरमेंट को प्रमोट कर रही है, उसके लिए उस इन्वेस्टर को साथ मिलाना शायद बहुत ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू समबडी हु इज फोकसिंग ऑन जस्ट मेकिंग मनी, और वो कह रहे कि ये चाहे पोल्यूशन हो कुछ भी हो मुझे मेरा पैसा जो ना वो ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। तो ये मेंटल सिंक्रोनाइजेशन को भी एंटरप्रेन्योर को मद्देनजर रखना होता है कि वो उन इन्वेस्टर्स को, उन सोर्सेज को टारगेट करे जो कि उसके साथ सिंक्ड हो। और एक जो पॉइंट हम लोग मिस कर गए हैं, बी थॉरली प्रिपेयर्ड बिफोर अप्रोचिंग लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। यूजली लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर द पीपल जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। अभी अगले लेक्चर्स में भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस चीज को, एक कॉन्सेप्ट है एलिवेटर पिच का। तो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद हिज फाइनेंसेस, विद हिज बिजनेस आइडिया, विद हिज मार्केटिंग प्लान, की जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, वो अपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इन अ वेरी कंसाइज क्रिस्पी मैनर वो इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स के साथ बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हो, और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सके एट एनी पॉइंट कि वो उसके साथ मिलके उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करे। सो दिस थोरो प्रेपरेशन, हाफ प्रेपरेशन नहीं, थोरो प्रेपरेशन, ही शुड बी नोइंग एवरी बिट ऑफ हिज बिजनेस, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या है, फाइनेंशियल आउटकम्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, ऑपरेशन किस तरह करने हैं हम लोगों ने, ये तमाम चीजें उसकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, और चीजें इस तरह से की हुई हों कि वो आपस में सिंक्ड इन हो।
एक और कॉन्सेप्ट जो फाइनेंसिंग के अंदर है दैट इज कॉल्ड लेयर्ड फाइनेंसिंग, एंड लेयरिंग इज बेसिकली पीसिंग टुगेदर कैपिटल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जिस तरह कहते हैं कि फाइनेंस के अंदर जब इन्वेस्टमेंट्स की बारी आती है कि यू डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, इसी तरह एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंसिंग कि जहां पे जरूरत हो, नेसेसरी हो, तो वो साथ में इन्वेस्टमेंट करवाए, क्योंकि जहां पे आप इन्वेस्ट करवाएंगे वहां पे आप अपना पॉसिबली कंट्रोल को लूज करेंगे, और जहां मुमकिन हो, जहां अप्रोप्रिएट हो, आप लिवरेज पोजीशन लें, आप डेट का सहारा ले सकते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि अगर आपने बिल्कुल डेट नहीं लिया हुआ तो उस सूरत के अंदर भी आपकी जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है वो समहाउ इनएफिशिएंट है, और अगर इंतहाई हाईली जो लिवरेज पोजीशन है उसके ऊपर भी बिजनेस समहाउ वल्नरेबल हो जाते हैं। तो एक बैलेंस बरकरार रखना कि जब जरूरत है एक पोर्शन ऑफ फाइनेंसिंग जो है ना वो हमारा लेंडर से आ रहा हो, कुछ पोर्शन ऑफ फाइनेंसिस हमारा बिजनेस एंजल से आ रहा हो जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ये मिक्सचर फिगर आउट करना और कि ऑप्टिमम लेवल क्या है, दिस इज अगेन एन अ चैलेंज दैट एन एंटरप्रेन्योर हैज टू एनकाउंटर। एंटरप्रेन्योर मस्ट कास्ट अ वाइड नेट टू कैप्चर द फाइनेंसिंग दे नीड टू लॉन्च देयर बिजनेस। लिमिटेड अप्रोच नहीं रखनी, जिस तरह मछेरा बड़ा सा नेट फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं उसके पास, ज्यादा मछलियां आती हैं, इसी तरह एंटरप्रेन्योर को अपनी फाइनेंसिंग के केस के अंदर सिर्फ एक या दो सोर्स पर रिलाई करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम ऑप्शंस को जेनरेट करे और उसमें फिर वो अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स, अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू हिज ओन एम्बिशंस वो पिक एंड चूज करे, ताकि वो एक ऐसा ऑप्टिमम फाइनेंसिंग की कंपोजिशन बनाए जिसमें उसकी अपना इंटरेस्ट भी मैक्सिमम रहे, फाइनेंशियल भी और ओवरऑल कंट्रोल भी, और जो एथिकली भी जो फाइनेंसिंग साथ में जो लोग कर रहे हैं उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो। आगे जी हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल्स की क्या टाइप्स हो सकती हैं। कैपिटल इज बेसिकली इन एनी फॉर्म ऑफ वेल्थ एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ फॉर अ फर्म। इसकी तीन डायमेंशंस हो सकती हैं। पहले नंबर पे यू हैव गॉट फिक्स्ड कैपिटल, और ये वो कैपिटल है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू परचेज द परमानेंट और फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, हमारा लैंड आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, और इस तरह की और जो आइटम्स हैं जो कि हम लोगों ने इन द लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करनी होती। अब इस कैपिटल को हासिल करने के लिए यू नीड दो सोर्सेज जो कि इंतहाई पेशेंट हो, क्योंकि इनको पे ऑफ करना शायद विद इन अ ईयर इतना आसान ना हो, एंड देर आर लॉन्ग पीरियड्स एसोसिएटेड विद द फाइनेंसेस ऑफ दिस नेचर। और उसके साथ साथ आपका जो लेंडर है या जो इन्वेस्टर है इस केस के अंदर अगर आपको फिक्स फाइनेंसिंग के अंदर हेल्प कर रहे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आउटलुक को चेक करेगा कि जी पहले साल तो आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, हाउ अबाउट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, उसमें आपका पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी का कितना है। दूसरे नंबर पे वी हैव गॉट वर्किंग कैपिटल, एंड इट इज यूज टू सपोर्ट स्मॉल कंपनीज नॉर्मल शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, दैट इज टू बाय इन्वेंटोरी, पे बिल्स, वेजेस, सैलरीज और अदर्स। कई दफा सीजनल स्विंग्स आ जाते हैं, कुछ बिजनेसेस होते ही सीजनल नेचर के कि फॉर सर्टेन 4, 5, 6, 7 मंथ्स दे आर गुड, उनके पास कैश का फ्लो बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन फिर उनके क्वाइटर डेज ऑफ बिजनेस आ जाते हैं। तो उस सूरत में अगर कहीं शॉर्टफॉल आ जाए विद रिगार्ड्स टू पेमेंट्स, अगर सैलरीज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं या परचेजेस लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सीजन भी है और आपको ज्यादा इन्वेंट्री खरीदनी है, तो उस सूरत में भी हो सकता है कि आपको बोरोइंग करनी पड़े। तो ये जो आपके ऑपरेशनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इन्वेंट्री वगैरह की बात की हम लोगों ने, बिल पेमेंट वगैरह की बात की, सैलरीज की बात की, इनको अगर कोई पे करने के लिए हमें शॉर्टफॉल आ रहे और जो फाइनेंसिंग हम इसके लिए हासिल करेंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वर्किंग कैपिटल। तीसरे नंबर पे यू हैव गॉट ग्रोथ कैपिटल, दैट इज यूज टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एक्सपेंड और चेंज इट्स प्राइमरी डायरेक्शन।
एक सर्टेन स्कोप ऑफ बिजनेस जब अचीव हो जाता है, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर फील्स लाइक यार इस लोकेशन के ऊपर इस प्रोडक्ट मिक्स के साथ मैंने जितना मैं इस मार्केट को सर्व कर सकता हूँ दैट आई एम डूइंग, माय बिजनेस इज नाउ स्मूथ रनिंग एंड ही फील्स लाइक यार नाउ आई नीड टू ग्रो, वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बेशक हो जाए या इवन प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करनी है, तो उसको अरेंज करने के लिए आपको नया इक्विपमेंट भी चाहिए हो सकता है, आपको नई लोकेशंस भी जो सी है ना वो हो सकता है फिगर आउट करनी पड़े, तो इन चीजों को जब आप अचीव करने के लिए जो कैपिटल आपको चाहिए दैट वुड बी काउंटेड एज योर ग्रोथ कैपिटल। राइट, जब इक्विटी कैपिटल के हम लोग कंपोनेंट्स देखने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स इन द बिजनेस। अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वुड बी काउंटेड एज इक्विटी कैपिटल, अगर एक से ज्यादा ओनर्स हैं तो उन सब की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटी कैपिटल काउंट होगी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल बिकॉज इन्वेस्टर्स एज्यूम द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर मनी इफ द बिजनेस फेल्स। अगर बिजनेस कामयाब होता है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है तो ये तमाम इन्वेस्टर्स बेनिफिट उठाएंगे, बट ऑन द अदर हैंड अगर फेलियर होता है तो ये लोग फाइनेंशियली एक्सपोज्ड होंगे। इट डज नॉट हैव टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट लाइक अ लोन डज। अगर आप किसी से लोन लेते हैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं प्रिंसिपल के अलावा, तो इक्विटी कैपिटल के अंदर आपके पास ये कैच नहीं है, आपकी जो इमीडिएट फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बनती। एंड इट मीन्स दैट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट गिव अप सम ओनरशिप इन द कंपनी टू आउटसाइड इन्वेस्टर। जब आप किसी को ओनरशिप के अंदर शेयर करवाएंगे, जब आप उसका इक्विटी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करवाएंगे, तो जो ओनरशिप है वो एक एंटरप्रेन्योर को समहाउ उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि मैक्सिमम कंट्रोल है, लेकिन हम लोगों ने जो पार्टनरशिप की बात की थी देर बी मैंशन कि हमारा जो कंट्रोल है उस सूरत में निस्बतन डाइल्यूट हो जाएगा। डेट कैपिटल जी, इट मस्ट बी रीपेड विद इंटरेस्ट, बड़ा क्लियर है। अगर हम लोग लोन लेते हैं कोई मशीनरी खरीदने के लिए या हम लोग अपना इन्वेंट्री खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसको हमें पे बैक करना है और प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी होती है, एंड इट इज कैरिड एज अ लाइबिलिटी ऑन कंपनीज बैलेंस शीट, एंड इट कैन बी जस्ट एज डिफिकल्ट टू सिक्योर एज इक्विटी फाइनेंसिंग इवन दो सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग आर more numerous. There are so many formal institutions जो के loans वगैरह offer करते हैं, लेकिन for a startup in particular जो के एक business बिल्कुल शुरू हो रहा है उनके लिए जो debt capital की access है वो काफ़ी मुश्किल होती है। It would be very hard for the entrepreneurs to convince a banker के जो वो शुरू में ही उनको lending कर दें। It can be quite expensive, particularly for small firms. और initially जबकि आपकी जो कैश फ्लो है इनफ्लो है वो समहाउ इतनी स्टेडी नहीं है या इतनी हाई नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ जो अगर आपने डेट कैपिटल लिया हुआ है, अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह करनी है, तो उससे जो चीज़ों को मैनेज करना एंटरप्रेन्योर के लिए मुश्किल हो जाता है। इक्विटी कैपिटल का अगर मैं दोबारा आपको हल्का सा एक मिसाल देना चाहूँगा, गूगल के अंदर किसी ज़माने में एक बंदे ने 100,000 की इक्विटी इन्वेस्टमेंट की थी, और जब गूगल पब्लिक हुई थी उस बंदे की जो इक्विटी थी दैट टर्न्ड आउट टू बी अराउंड $100 million। सो एट वन एंड देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल, बट ऑन द अदर एंड जो एक्सपेंशन है आपके कैपिटल की, जो तरक्की आपका कैपिटल कर सकता है वो इक्विटी कैपिटल के अंदर कैन बी फार फार अहेड, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है। उसके अगेंस्ट जो डेट वाली फाइनेंसिंग है वो आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट की तकलीफ तो होती है एंटरप्रेन्योर को, लेकिन उसका कंट्रोल बिजनेस के ऊपर बरकरार रहता है। सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग की अगर बात करें, वी कैन सी पर्सनल सेविंग से एंटरप्रेन्योर फाइनेंसिंग कर सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स कैन बी देयर, एंजल्स कैन बी आस्क्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स फंडिंग, they could be partners, corporation, venture capital companies and public stock sale. Personal savings, entrepreneur ki apni jeb mein kitne paise hain, apna jab business start karta hai, that would be the most convenient financing possible, and it is the first place an entrepreneur
should look for money. If you have got money and enough money to start a business on your own, why look around? Why not be a sole proprietor or be in such a form whereby हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें और खुद मैक्सिमम जो हम लोग आउटकम प्रॉफिट्स वगैरह के केस के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो उसको हम खुद एंजॉय करें. एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. ट्रेडिशनली अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें कि अमूमन ये आपको देखने का मिलेगा कि जो सरकारी मुलाजमीन इन पर्टिकुलर पूरी जिंदगी एक एफर्ट करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ करियर व्हेन दे गेट अ सर्टेन ग्रेच्युटी अमाउंट तो वो अमूमन उसे कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. आउटसाइड इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स एक्सपेक्ट एंटरप्रेन्योर्स टू पुट सम ऑफ देयर ओन कैपिटल टू द बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग देयर्स. अगर इन्वेस्टर को ये नजर आएगा कि जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो ही वुड समहाउ बी रिलीव्ड कि यार इट्स वो मेरे जो एंटरप्रेन्योर है वो मेरे पैसे के ऊपर कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा. अगर वो बिजनेस की बात कर रहा है तो उसने अपना पैसा भी लगाया हुआ है. सो दैट एंटरप्रेन्योर वुड बी एक्सपेक्टेड कि वो बहुत ज्यादा रिस्की शॉट्स नहीं लेगा. तो ये समहाउ रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द लेंडर्स कॉन्फिडेंस इन द एंटरप्रेन्योर. तो अगर किसी बंदे की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं टूवर्ड्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जहाँ पे हम लोग अमूमन देखते हैं जब हमारी एंटरप्रेन्योर की जब जेब अपनी खाली हो जाए आफ्टर एम्प्टिंग देयर ओन पॉकेट्स एंटरप्रेन्योर शुड टर्न टू दोज मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट देयर बिजनेसेस दैट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली. पेरेंट्स हो सकते हैं अंकल्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपके साथ कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन एजेंडा जो है वो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एजेंडा वो शेयर करते हो. इसमें अगर आप एक मैं मिसाल देना चाहूँ जो अमेज़ॉन के जो फाउंडर था उसके फादर ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन की थी इन द बिजनेस एंड दैट वाज अ वेरी नॉमिनल अराउंड 100,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था. और जब अमेज़ॉन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी दैट कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन टर्न इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो ये जो हम लोग पहले भी इक्विटी की एग्जांपल दे रहे थे उस केस में हम लोग फ्रेंड और फैमिली भी जब कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इफ द बिजनेस गोज वेल तो वो ठीक ठाक बेनिफिट उठाते हैं. लेकिन अगर बिजनेस फेलियर हो जाए तो उस सूरत में ये पोजीशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती. फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है उसके साथ साथ आप बंदे की सोशल लाइफ जो सी है ना वो भी एट स्टेक लग जाती. जिन लोगों से बोरिंग की होती है उनके साथ फिर शायद हालात इतने हर सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहे. सो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड वन शुड नॉट ट्राई टू गेट दोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑफ फैमिली इनटू इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस जो कि उस तरह के लॉसेस की पॉसिबिलिटी को बर्दाश्त ना कर सकें. तो वन हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव. सो If one is to get financing from friends and family, they should consider the impact of their investment on everybody involved. They should keep the arrangement strictly business. Documentation kare proper or business is business and cup of tea is a cup of tea. Unke saath jo social bondings hain, jo social expectations hain, unko ek side pe rakke business ko aap chalaye unke saath. Settle the details up front. परसेंटेज क्या होगी प्रॉफिट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी रिस्क क्या होंगे ये तमाम की तमाम चीज़ें उनके साथ क्लैरिटी के साथ डिस्कस करें. नेवर एक्सेप्ट मोर देन इन्वेस्टर्स कैन अफोर्ड टू लूज. किसी भी बंदे को आप कंगाल करके अपना बिजनेस अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट ना करवाएं. ये ना हो कि आपके बिजनेस के लॉस की वजह से उस बंदे की अपनी और उसकी फैमिली की पूरी लाइफ जो है वो स्टेक पे लग जाए. क्रिएट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट द मनी एज ब्रिज फाइनेंसिंग. उसको ऐसे ट्रीट करें कि आप अपने नेक्स्ट लेवल तक आपको पहुंचाएं और वहां पे आप कुछ और जो सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के जो कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट डू नॉट हेविली रिलाई ऑन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. डेवलप अ पेमेंट शेड्यूल दैट सूट्स बोथ पार्टीज. और क्लैरिटी के साथ आप डिस्कस करें कि जी ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनफ्लोज ये आएंगे और मैं आपको इस महीने में इतनी इतनी पेमेंट करके आपके जो
कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगा एंड हैव एन एग्जिट प्लान फॉर देम एज वेल, कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनको बाय आउट भी कर सकते हैं कि जी आप अभी इन्वेस्टमेंट करें, आपको मैं लेवेश किस्म की इतनी लिक्रेटिव किस्म की ऑफर मैं दूंगा कि आप जो है ना इस एक अगर मैं सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता हूं जो कि अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल हुई तो यू कैन टेक ऑल योर मनी प्लस व्हाटएवर आई एम गोना ऑफर एंड यू कैन लीव द बिजनेस. एक और सोर्स ही फाइनेंसिंग का एंजल्स हैं. दीज आर बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज एंड दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस कैपिटल मार्केट. अभी हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर वीडियोस भी देखेंगे. दिस इज अ फिनोमिनन जिसने पूरी की पूरे अमेरिका और यूरोप को जो है ना वो अपने लपेट में लिया होगा लिया हुआ है. जो एंजल्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन द आउटलुक. दिस इज अ कैश रिच कैश सरप्लस एंटिटीज हैं जो कि वो आर ऑलवेज ऑन द आउटलुक टू फाइंड आउट दोज एंटरप्रेन्योर हू हैव गॉट प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स और जो कि which can be transformed into successful businesses. The typical angel in America is going to invest in companies at the seed or startup stage. So this is the most interesting part about the angels, ki jahan pe aapke banks jo hain aapke liye shuru mein lending karne ke liye taiyar nahi hote, aapki corporate jo venturing companies hain wo taiyar nahi hoti, angels are the people jo ke most likely aapke sath स्टार्टअप के पॉइंट के ऊपर हैंडशेक करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. इन अमेरिका अ टिपिकल एंजल एक्सेप्ट 10% ऑफ द प्रपोजल प्रेजेंटेड टू हिम विच इज क्वाइट अ गुड परसेंटेज. इट मेक्स एन एवरेज ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट्स एवरी 3 इयर्स एंड अ टिपिकल एंजल हैज इन्वेस्टेड एन एवरेज ऑफ 80,000 इन 3.5 बिजनेसेस विच इज नॉट अ बैड स्टैटिस्टिक्स. And 90% of the angels are satisfied with their investments. They may not be very easy to find, but इसके लिए एक important source जो है angels को figure out करने के लिए वो आपके जो professional resources हैं, professional लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनके through आप इनको find out कर सकते हैं. When I say professional people, it includes your chartered accountants जिनके साथ आप network बना के अपने आइडियाज उनके साथ डिस्कस करके आप उनसे पूछ सकते हैं. बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर इन टच विद द वेल्दी पीपल अराउंड जो कि पॉसिबली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें. यू कैन टॉक थ्रू लॉयर्स. लॉयर्स के अभी जो इंटरेक्शन है वो बड़ी वाइड रेंज कम्युनिटी के साथ होता है. एंड देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जब आप किसी ऐसे रिलायबल बंदे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है. सो यूटिलाइज योर नेटवर्क to find angels and look nearby a 50 to 100 mile radius. आपको ये local जो आपकी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे high possibility है कि आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि आपके साथ business के अंदर invest करने के लिए तैयार हो. और जो angels हैं अब उन्होंने भी कमाल ये किया हुआ है कि उन अगर एक angel के पास एक certain amount of cash है, दूसरे के पास अपना थोड़ा बहुत cash है, तो वो दे आर डूइंग दीज डेज कि वो आपस में मिल के एक पूल ऑफ फाइनेंस डेवलप कर लेते हैं और उन मिल के एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. सो दिस इज अगेन समथिंग जो कि एक एंटरप्रेन्योर कैन रिलाय ऑन एंड दे कैन लुक फॉर द क्लस्टर ऑफ एंजल्स. इसके अलावा फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप पार्टनर्स को साथ मिलाएं और उनसे इन्वेस्टमेंट्स करवाएं. वो आपको आपके लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये चीज़ हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी डिस्कस की थी. उसके साथ साथ पार्टनर्स का एक और फायदा ये है कि वो अपनी जो एक्सपर्टीज है वो भी शेयर करेंगे. हो सकता है कि आपका एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, पार्टनर वो लें जो कि किसी और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से, इस तरह आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड देन यू कैन हैव जनरल पार्टनर्स एंड यू कैन हैव स्लीपिंग पार्टनर्स. तो जो जनरल पार्टनर है उसके राइट्स भी ज़्यादा होंगे, उसकी लाइबिलिटीज भी ज़्यादा होंगे. और देन द अदर कैटेगरीज जो स्लीपिंग पार्टनर्स जो कि सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और जो डे टू डे बिजनेस ऑफ आपको पार्टनर्स जो बिजनेस का उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते. एक और कैटेगरी जी कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल का है. पाकिस्तान के अंदर अभी अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रो नहीं हुआ, लेकिन
अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो 20% ऑफ ऑल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम द कॉरपोरेशंस. अबाउट 300 लार्ज कॉरपोरेशंस अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्ट देयर इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कंपनीज. ये वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हुआर इन आउटलुक ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज. तो जब वो एंटरप्रेन्योर्स उनके पास आइडियाज लेके जाते हैं एंड दे फील के इस आइडिया में पोटेंशियल है, तो दे इन्वेस्ट विद दोज एंटरप्रेन्योर्स इन द स्टार्टअप्स. अब इनका एक फायदा और भी होता है कि कैपिटल इन्फ्यूजन्स आर जस्ट वन बेनिफिट. जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलेगा ही एंटरप्रेन्योर को, उसके साथ साथ जो एक्सपर्टीज है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी, उन तक भी एंटरप्रेन्योर को एक्सेस मिल जाती है. कई ऐसे रिसोर्सेज जो कि अदरवाइज एंटरप्रेन्योर के एक्सेस में नहीं होंगे वो कॉर्पोरेट कैपिटल, वेंचर कैपिटल फर्म्स के थ्रू आपके एक्सेस में आ जाते हैं. सो दीज आर प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. पैसा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनीज होती हैं. बिजनेस प्लान्स आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सट्रीमली रिग्रेस व्यू. लेस देन 1% आर एक्सेप्टेड. प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे कि 10% जो है एंजल्स वो अपने जितने भी प्रपोजल्स उनके पास आते हैं उनमें से 10% को एक्सेप्ट करते हैं और उनका 90% का सेटिस्फाइड है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ. उसके अगेंस्ट वेंचर कैपिटल्स कैपिटल्स जो उनसे हैं वो इंतहाई शदीद तरीके से स्क्रूटिनी करते हैं और दे ओनली एक्सेप्ट लेस देन 1% ऑफ द प्रपोजल दैट आर गिवन टू देम. मोस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट टेक्स एन एक्टिव रोल इन मैनेजिंग द कंपनीज इन विच दे इन्वेस्ट. Many venture capitalists focus their investment in specific industries which they are familiar. Venture capitalist companies ne bhi apni profiles banayi hui hain. Maslan kuch specialize karte hain ki ji medical ke related jo bhi nayi product aayegi hai, no jo nayi firm aa rahi hai unka interest usme hai. Kuch log IT focused ke upar hai, kuch log consumer goods focused hai. To is tarah venture capitalist companies ki bhi apni preferences hai. And they would usually buy 20 or 40% of a company, but in certain cases the investment can go as high as 70% or more. Most often venture capitalists invest in a company across several stages. Shuru ke andar ya growth ki stage ke andar jab jab entrepreneur ko capital ki zarurat padegi ye mukhtalif auqat ke andar contribute kar sakte hain. On average, 98% of the venture capital goes to early age investments and then expansion stage. Only 2% of venture capital goes to the businesses in the startup or seed phase. लिहाजा जो नए startup वाले businesses हैं उनके लिए शायद angels को target करना ज्यादा feasible हो, ज्यादा fruitable हो as compared to venture capital companies. जब वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी साथ डील करेगा तो दे विल बी लुकिंग फॉर कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट. वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे जो टीम है जो कि ये प्रॉमिस कर रही है कि जी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, ये रोल आउट करके इतने प्रॉफिट्स कमाएगी, तो वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं. कंपेटिटिव एज जो उनसे है वो बिजनेस का क्या है ओवर इट्स कंपेटिटर्स. जिस इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बात कर रहे हैं कि जी वो आना चाह रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है, ग्रोथ हो रही है उसमें या नहीं, और वायबल एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है. कल को बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या उसको कंटिन्यू करना चाह रहा है या वो इस बिजनेस को गिव अप करेगा एट अ सर्टेन प्राइस, और क्या स्ट्रेटजी होगी. और उसके अलावा इंटेंजिबल फैक्टर्स भी, जिसके अंदर अब मैंने भी बात की थी कि ये प्रेफरेंस होती है क्या वेंचर कैपिटलिस्ट की कि वो किस जगह पे और किस फोकस की कंपनी के साथ काम करें या किस फोकस के एंटरप्रेन्योर के साथ काम करें. एक और ऑप्शन जो है वो दैट इज ऑफ गोइंग पब्लिक, कि आप लिमिटेड कंपनी बना लें एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कंपनी रेजेस कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अगर आप एक अच्छा अपने बिजनेस को सेट करना चाहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो देर नीड्स टू बी सर्टेन करेक्टरिस्टिक जिस पे जिनको आपको मीट करना पड़ेगा. इट विल इंक्लूड कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ रेट्स, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ अर्निंग. एक आपका पैटर्न नजर आना चाहिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो चाहिए ना वो रिमार्केबल है.
3 to 5 years of audited financial statements that meet or exceed SEC standard, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनको वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मीट करना होता है. सॉलिड पोजीशन इन रैपिडली ग्रोथ इंडस्ट्री, ये ना हो कि आप करेंटली तो कमा रहे हैं, आप यू आर मेकिंग गुड बिजनेस, यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं वो इंडस्ट्री ही ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ है. उसके अलावा साउंड मैनेजमेंट टीम विद एक्सपीरियंस एंड अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो दीज आर द इनग्रीडियंट्स a company need to have if they want to go public. If the organization goes public, it gets the ability to raise large amount of capital, much more than being a sole proprietor or engaging in partnership. Isse aapka corporate image jo sa hai wo bhi behtar ho jata hai, brand equity aap behtar enjoy karte hain, aapki jo access hai for future financing wo behtar ho jati hai. Attracting and retaining key employees, आपकी क्योंकि financial capacity strong हो जाती है, आपकी जो चीज़ें हैं वो निस्बतन ज़्यादा formal तरीके से, ज़्यादा systematic तरीके से run करती हैं, तो आपके लिए फिर employees को attract करना और उनको retain करना भी निस्बतन आसान हो जाता है. And you can use stocks for acquisition and you get listed on stock exchange. लेकिन जहाँ पे advantages हैं public limited company बनने के, वहाँ पे certain disadvantages भी हैं. पहले नंबर पे जो फाउंडर्स ऑनरशिप है वो डाइल्यूट होती है, आपका कंट्रोल उतना नहीं रहता जिस तरह कि आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के केस में आपके पास होगा. लॉस ऑफ कंट्रोल है, जो प्राइवेसी है आपकी वो डिस्टर्ब होगी, आपको रिपोर्टिंग्स करनी है, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जोनसी है या और भी कोई रिक्वायरमेंट्स जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आपसे डिमांड करेगा वो आपको पूरी करनी है, और आपको एक्सपेंसेस वगैरह भी फाइल करने होंगे, और जो शेयर होल्डर्स हैं दे कैन होल्ड यू अकाउंटेबल, वो आपको एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर दे कैन क्वेश्चन यू, दे कैन चैलेंज योर स्ट्रेटजीज, दे कैन चैलेंज योर अप्रोच, और देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, नॉट टू फॉरगेट टाइमिंग. अभी तक हम लोगों ने इक्विटी कैपिटल के सोर्सेज को देखा था, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोर्सेज ऑफ डेट कैपिटल. जो बुनियादी सोर्स जो है हमारा डेट कैपिटल का, दैट कम्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स विच आर द एट द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर अ स्मॉल बिजनेस, एंड दे ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स जिसमें आपके कमर्शियल लोन्स होते हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट होती हैं, फ्लोर प्लानिंग होती है, और उसके अलावा वो इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर भी डील करते हैं जिसमें आपके इंस्टॉलमेंट लोन्स भी आ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लोन्स भी आ जाते हैं. यूजली अमूमन लोग जब अप्लाई करते हैं लोन्स के लिए, बैंकर्स आर नॉट वेरी, एक परसेप्शन डेवलप हुई है कि बैंकर्स आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू द लैंडिंग और टू द बोरोर्स, लेकिन उसकी कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से वो इनको बुनियाद बना के अमूमन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं. उसमें बुनियादी रीजन्स भी देखते हैं और उनका जो क्योर है वो भी देखते हैं कि क्या क्योर्स है. Our bank doesn't make small business loans. हम लोग जी छोटे businesses को loans ही नहीं देते. तो इस ये बात सुनने की बजाय why not first sit down and try to map out कि कौन से financial institutions हैं जो कि small businesses के लिए funding कर रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर अब कुछ कई banks हैं जो कि focus ही small businesses के ऊपर, medium enterprises के ऊपर कर रहे हैं. तो why go to another some other commercial bank जिसका focus कॉर्पोरेट है rather than entrepreneurial या स्टार्टअप businesses. Secondly, I don't know enough about you or your business. Banker has got his job और it's not necessary कि वो जो भी idea आपके पास है, जो भी आपका business है, उसकी वो nitty-gritty से वाकिफ हो. तो इस चीज का जो क्योर है वो ये है कि हम लोग detailed business plan बनाए जिसके अंदर हमारी ऑपरेशंस की, मार्केटिंग की, स्ट्रेटेजी की और फाइनेंशियल डिटेल्स हो. उसके अलावा यू हैवंट टोल्ड मी व्हाई यू नीड मनी. उसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली बिजनेस प्लान के अंदर ये मैप आउट करके दें उनको कि जो पैसा बिजनेस बैंक से हम लोग ले रहे हैं वो हम लोगों ने किस तरह यूटिलाइज करना है. क्या हम उससे कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, क्या हम उससे इन्वेंटरी खरीदेंगे, क्या क्या काम करेंगे हम उससे, और वो
काम हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करेगा। एक और रीजन जिसकी वजह से लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं, दैट इज बैंकर्स यूजली से कि योर नंबर्स डोंट सपोर्ट योर लोन रिक्वेस्ट। तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, व्हाई नॉट डेवलप ए कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके अंदर जो कि कॉम्प्लीमेंट करे जो भी हम लोग फंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पेमेंट्स को। यू डोंट हैव इनफ कोलेट्रल, आपके पास प्लेज करवाने के लिए एसेट्स नहीं है। तो इससे पहले कि हम लोग लोन लेने के लिए जाए, व्हाई नॉट सर्च ऑनलाइन और देखें कि जी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जिनकी बुनियाद के ऊपर जो बैंक से वो लोन दे रहे हैं, और अगर पर्सनल एसेट है या कंपनी का कोई एसेट है उसको हम लोग एज कोलेट्रल ऑफर करके उसके अगेंस्ट लोन ले लें। योर बिजनेस डज नॉट सपोर्ट द लोन ऑन इट्स ओन, इस सूरत में वी कैन ऑफर सम पर्सनल गारंटी ऑन द लोन कि अगर बिजनेस का लोन पे नहीं होता तो मैं अपने पर्सनल एसेट्स या मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसको पे करूंगा, और ये बॉन्ड की फॉर्म में होगी। उसके अलावा देयर आर एसेट बेस्ड लेंडर्स, वेंडर फाइनेंसिंग है जी, आपकी ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है आपको जिसमें आपको जो आपने परचेज करनी है, आपने इक्विपमेंट लिया है या आपकी जो इन्वेंटोरी है वो आप जिससे ले रहे हैं वो आप उसे के गैर में महीना या डेढ़ दो महीना जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जितना आप उसको डिले कर सकते हैं पेमेंट को, आप उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय करें और ट्रेड क्रेडिट को एंजॉय करें। उसके साथ साथ अगर आप इक्विपमेंट ले रहे हैं तो कई ऐसे कैपिटल इंटेंसिव किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो सेलर्स हैं वो खुद ऑफर कर रहे होते हैं कि जी आप इक्विपमेंट ले जाएं और हमें इस प्लान के तहत अगले 6 महीने में, अगले साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर आप पेमेंट कर दें। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रोविजन मिल रही है तो उसको भी यूटिलाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज भी हैं और सेविंग एंड लोन्स एसोसिएशंस भी हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहा था जिसमें हम लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस है अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ कैपिटल की बात की। फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल के अंदर क्या फ़र्क है। फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ जो सोर्सेज अवेलेबल हैं इक्विटी कैपिटल के उसको डिस्कस किया, एंड देन वी वेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ डेट कैपिटल, एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।